तो दोस्तों देखिए, आप जो वीडियो के अंदर फ़ोन देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ओप्पो का मोबाइल है और इसका मॉडल है ओप्पो F7। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए जानेंगे इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो आप यहाँ पर देखना दोस्तों, इस फ़ोन की जो डिस्प्ले यानी फोल्डर है वो टूटा हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो डिस्प्ले यहाँ पर नहीं आएगी, थोड़ा सा कलर ही दिखा रही होगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा कलर ही बाकी दिखाएगी, यहाँ पर आप देखिए डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से ओप्पो F7 मोबाइल का फोल्डर चेंज कर सकते हैं, यानी कि पुराना फोल्डर निकाल करके नया फोल्डर किस तरीके से लगा सकते हैं, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप मोबाइल मैकेनिक हैं या आपकी मोबाइल की शॉप है तो भाई आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना, साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के एक और नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल GR पे। तो अभी दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इस फोन में खोलना होगा। तो किस तरीके से खोलेंगे, हमारा जो फर्स्ट वर्क है वो यही रहेगा कि हमें इसका सिम ट्रे निकालना है यहां से। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोनों के अंदर यहां पर सिम ट्रे सिम स्लॉट लगा रहता है, आप उसे इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, सिम ट्रे निकालने के बाद हम इस फोन को खोलेंगे। तो हम यहीं से खोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान खुल जाएगा ये। आपके पास ओपनर वगैरह कोई चीज़ हो या फिर आप अपने नाखून से भी इस तरीके से इसे खोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, जब आप ये बैक कवर यहाँ से हटाएं तो ज़्यादा इसमें झटका वगैरह नहीं लगना चाहिए, आप आराम से हटाएं, क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा रहता है, उसका पत्ता भी होता है, तो वो ना टूट जाए कहीं। तो आप आराम से इसे खोलना। ठीक है, देखिए इस तरीके से अभी हम यहाँ से खोल लेंगे। तो जब हम इसे यहाँ से खोल देंगे, देखिए हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट का पत्ता कनेक्ट मिलेगा लगा हुआ। देख, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर एक पत्ती भी लगी रहती है, तो आप पत्ती को खोल लेना। इस फ़ोन के अंदर पत्ती नहीं लगी हुई है फिंगरप्रिंट के पत्ते के ऊपर, तो हम इसे ऐसे ही हटा लेंगे आराम से इस तरीके से। ठीक है, पत्ता हमने हटा दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर जो स्क्रू लगे हुए हैं सभी खोलने, क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले का पत्ता होता है यहीं पर कनेक्ट होता है, तो हमें ये प्लेट यहाँ से निकालनी होगी जो पत्ती लगी हुई है। तो उससे पहले हमें सभी स्क्रू खोलने होंगे। तो दोस्तों देखिए, जब तक मैं स्क्रू खोलता हूँ तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वरना। तो वीडियो को पॉज करके मैं पहले ये स्क्रू खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ के सभी स्क्रू खोल दिए हैं और अब मैं यहाँ से ये जो पत्ती लगी हुई है इसे हटा दूँगा। ठीक है, देखिए हमने हटा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से जो बैटरी का कनेक्टर लगा हुआ है, बैटरी वाला कनेक्टर, इसे हटाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें बैटरी भी निकालनी है। ठीक है, ये हटा दिया, अभी हम बैटरी निकालेंगे। तो दोस्तों बैटरी किस तरीके से निकाली जाती है सभी वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पर लोहे का ओपनर है, मैं तो इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यदि आपको अभी अच्छे से नॉलेज नहीं हो तो आप लोहे के ओपनर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बहुत ही सावधानी से निकाला जाता है। यदि जरा सा भी कट बैटरी के अंदर लग जाएगा तो बैटरी फटने का खतरा हो जाता है, बैटरी ख़राब भी हो जाती है। तो आप कोई प्लास्टिक का ओपनर ले लें या फिर सेपरेटर मशीन पर रख करके आप अपनी बैटरी को निकालें। ठीक है, तो बैटरी निकालने के लिए पहले कहूँगा सबसे सावधानी से आप बैटरी निकालना। मुझे नॉलेज है इसलिए दोस्तों मैं लोहे के ओपनर का यूज़ कर लेता हूँ। तो आपको नॉलेज हो बैटरी निकालने के अच्छे तरीके से जानकारी हो तो ही आप लोहे के ओपनर का इस्तेमाल करें, वरना आप लोहे वाले ओपनर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर बैटरी निकाल दी। हमें यहाँ पर जो फोल्डर का पत्ता है, ये फोल्डर का पत्ता लगा मिल जाएगा डिस्प्ले वाला, हम इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें ये स्क्रू खोलने की आवश्यकता नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से देखिए डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, हमें फोल्डर निकालना है, यानी कि पुराना फोल्डर हटाना है। तो देखिए, यदि हमारा फोल्डर सही होता तो हम सेपरेटर मशीन का या फिर SMD का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा फोल्डर ऑलरेडी एकदम ख़राब हो चुका है, तो हम इसे तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर लोहे के ओपनर का इस्तेमाल कर सकते हैं तोड़ते समय। तो लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब आप फोल्डर निकालें यहाँ से तो क्रोम नहीं टूटनी चाहिए, आप उस तरीके से फोल्डर को निकालना, क्रोम नहीं तोड़ना। ठीक है, सावधानी से आप फोल्डर को ही निकालना, सिर्फ क्रोम आपके साबित रहनी चाहिए, इसे मत तोड़ देना। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि आप फर्स्ट टाइम किसी फ़ोन का फोल्डर हटा रहे हैं, यानी कि उसका फर्स्ट टाइम ही हट रहा है, तो यहाँ पर स्पीकर की जाली लगी रहती है, आप जाली को ध्यान से निकाल लें, क्योंकि नए फोल्डर में आप उसे लगा देना, इस फ़ोन के अंदर तो लगी हुई नहीं है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर इस फ़ोन का फोल्डर निकाल दिया पुराने वाला। ठीक है, और अभी आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए हमारी क्रोम भी बिल्कुल साबुत है, हमने कहीं से क्रोम को भी नहीं तोड़ा है, अच्छे से हमारा फोल्डर निकल गया है। अब क्या करेंगे, हमें इस क्रोम की सफाई करनी है। ठीक है, आप सर्जिकल ब्लेड का यूज़ करें या फिर ओपनर का यूज़ करें, जो भी आपको सही लगे,
आप उस चीज़ का यूज़ करके जो यहाँ पर गम वगैरह लगी होती है पुरानी वाली, आप उस सभी गम को हटा दें, जिससे कि आप जो भी नया फोल्डर लगाएं वो अच्छे से चिपक जाए। तो आप पहले इसकी क्लीनिंग कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों जब तक मैं इसकी क्लीनिंग करता हूँ तब तक के लिए वीडियो को फिर से रोक देता हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों यदि मैं क्लीनिंग करके भी आपको दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब तक मैं इसकी जो क्रोम है क्लीन करता हूँ तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर इसकी क्रोम को क्लीन कर लिया, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो क्रोम की सफाई मैंने यहाँ पर कर दी है, अभी क्या हम इसके ऊपर फोल्डर लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये है वो फोल्डर जो मैं मार्केट से इस फ़ोन पर लगाने के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जब आप फोल्डर लेकर के आएंगे मार्केट से तो आप देखना आपके फोल्डर पर कहीं ना कहीं इस तरह की टेपिंग भी लगी मिल सकती है। तो आप जो ब्लू पन्नी होती है ना आप इसे छुटा देना, ठीक है, जिससे कि अच्छे से आपके फोल्डर को भी ग्राउंड मिल सके इसका, छुटा करके और इसे आप सही से इस तरीके से चिपका दें, ठीक है, इस तरीके से। अभी एक चीज़ और है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साथ ही, देखिए कभी कभी क्या होता है नए जो फोल्डर आते हैं ना उनके यहाँ पर जो कंपोनेंट या फिर प्रिंट होते हैं इनके ऊपर कोई टेपिंग वगैरह नहीं लगी रहती है। तो आप ये चीज़ सबसे पहले ध्यान कर लें, आप उस पर यदि नहीं लगी है टेपिंग यहाँ पर कंपोनेंटों के ऊपर तो उस पर कोई टेप वगैरह या फिर लेमिनेशन वगैरह लगा दें जिससे कि वो इस क्रोम से टच ना हो। यदि आप इस पर टेपिंग नहीं करेंगे और आप फोल्डर को लगा देंगे तो जैसे ही क्रोम से टच हो जाएंगी ना तो इसमें कोई फॉल्ट आ सकता है, आपका फोल्डर बंद भी हो सकता है, टच भी बंद हो सकती है। तो पहले आप ये चीज़ सुनिश्चित कर लें, आप इस पर टेप लगा लें, ठीक है। उसे करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, हम फोल्डर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके चारों तरफ जो गम लगाना है जिससे हम फोल्डर को चिपकाते हैं हम वो लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर गम ग्लू को लगा देते हैं, जो कि हमारी ग्लू होती है, गम आप बोलें या फिर ग्लू बोलें जो भी कुछ आप बोलते हो जिससे आप फोल्डर चिपकाते हैं वो आप यहाँ पर लगा लेंगे चारों तरफ, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगाना, आपको सिर्फ इस लाइनिंग में ही लगाना है, अंदर नहीं लगना चाहिए, ध्यान से लगाना, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए जब आप ये ग्लू इसके अंदर लगाएंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं इसमें ग्लू लगा दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से चारों तरफ इसके अंदर एक ग्लू लगा देंगे। तो ये देखिए जब आप ग्लू लगाएंगे तो आप ध्यान करना जहाँ पर स्पीकर होता है, कैमरा होता है और यहाँ पर सेंसर भी होता है। तो आप जब यहाँ पर ग्लू लगाएं तो ध्यान से लगाना, स्पीकर कैमरा या फिर सेंसर के ऊपर ग्लू नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। बहुत से भाई क्या करते हैं वो सेंसर के ऊपर भी ग्लू लगा देते हैं या फिर कैमरे के ऊपर भी ग्लू लगा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत ही सावधानी से यहाँ पर आप ग्लू लगाएं, ठीक है। तो हमने इसके चारों तरफ ग्लू को कंप्लीट लगा दिया है, अभी हम इस पर फोल्डर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये है हमारा फोल्डर, ये हमारा फोल्डर का पत्ता है, हमें इसे यहाँ से और दूसरी तरफ एग्जिट कर लेंगे इस तरीके से और फोल्डर यहाँ पर हम सेट करके रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से रख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ये फोल्डर का पत्ता है, हमें इसे कनेक्ट करेंगे जो हमारा पीसीबी है ये इस पर, और फिर इसके बाद हम इसकी बैटरी यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर लगाने वाले हैं। देखिए ये बैटरी लगा देंगे। अभी क्या करना है, जो हमारा यहाँ से इसका बैक निकला था यानी कि जो ये पत्ती लगी हुई थी यहाँ पर, इसे हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसे लगा करके सभी स्क्रू वगैरह लगा देंगे, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए इसका जो बैक ढक्कन होता है, इसका पत्ता होगा, आप उसे यहाँ पर कनेक्ट करके और बैक ढक्कन लगा देना। देखिए सभी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊँ तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से आपने खोला था उसी तरीके से आप इस फ़ोन को पैक कर लेंगे। और देखिए रही फोल्डर की टेस्टिंग की बात, तो चलिए हमने फोल्डर लगा दिया है, पत्ता भी कनेक्ट कर दिया, फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा फोल्डर आता है या फिर नहीं आता है। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ओप्पो लिखा हुआ आ चुका है, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, हमारा फोल्डर अच्छे से लग गया है। बस अभी क्या करना है, हमें सिर्फ पैक करना है फ़ोन को। पैक करने के बाद जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप यहाँ पर टेपिंग वगैरह कर देना जिससे कि फोल्डर हटे नहीं, दो ढाई घंटे के बाद आप अपनी टेपिंग को हटा सकते हैं, आपका फोल्डर अच्छे से लग करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे और अब आप आसानी से इस फ़ोन का फोल्डर लगा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से ऐसे कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।